नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर राखी के जरिए मांग रहे इंसाफ, बांध रहे हैं मरीजों को राखियां। पंजाब के मोगा में राजस्थान से अफीम सप्लाई करने आए दो युवक गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर ली थी बुकिंग। राजस्थान में हर तरफ रक्षाबंधन की धूम, सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान के परबतसर में विख्यात वीर तेजाजी पशु मेला आज से हो गया है शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में इस बार राखियां इंसाफ मांगने का जरिया बन गई है। राज्य के सबसे बड़े जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार ऐसी राखियां तैयार कराई है जिन पर जस्टिस फॉर आरजी कर लिखा हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल डॉक्टरों ने ये राखियां एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ओपीडी में मरीजों को बांधी है। पंजाब के साथ लगते राज्य राजस्थान में सूबे में नशे की तस्करी हो रही है। मोगा जिले के धर्मकोट पुलिस ने ऐसे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गश्त के दौरान मोगा धर्मकोट रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शाम 5 बजे पुलिस मोगा धर्मकोट रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को देखकर दो युवक मौके से भागने लगे। दोनों को पकड़कर उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान उनके पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुई। रक्षाबंधन में हर तरफ भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की धूम है। विभिन्न शहरों और गांवों में रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया जाता है। जयपुर, पाली, सीकर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर में समेत तमाम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह बहनें भाइयों को राखियां बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। इस त्योहार के मौके पर बाजारों में भी खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। रोडवेज में आज महिलाओं को फ्री सफर करने का मौका मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऐलान किया है। राजस्थान में आज सावन के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवालयों में मेले जैसा माहौल बन गया है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। इस बार सावन मास सोमवार से शुरू हुआ था और इसका समापन भी सोमवार को हो रहा है। राजस्थान के परबतसर में विख्यात वीर तेजाजी पशु मेला आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के मंत्री विजय सिंह चौधरी और विधायक रामनिवास गावड़िया तथा पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने आज झंडारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। भाजपा अगले महीने देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसके तहत राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें मदन राठौड़ ने तय किया कि करीब 52,000 बूथों में प्रत्येक पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे ताकि 1 करोड़ का लक्ष्य अर्जित किया जा सके। प्रदेश में सदस्यता अभियान से पहले भाजपा की ओर से 20 अगस्त को कार्यशाला आयोजित की जाएगी और इसमें सदस्य बनाने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में अपने घर में आज रक्षाबंधन का पर्व बनाया। इस मौके पर उन्होंने बहनों से राखियां बंधवाई। मेघवाल ने समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस मौके पर सबको सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर आए हैं। उन्होंने आज बर गांव में बरसात की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बिराटिकिया खुद के मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भरोसा दिलाया। राजस्थान के 12 जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते शाहबाद क्षेत्र के देवरी में सिरसीपुरा तालाब की पाल टूटने से हड़कंप मच गया। देवरी कस्बे के पास स्थित इस तालाब के टूटने से भारी मात्रा में पानी कस्बे में घुस गया। बस्ती के निचले इलाकों में पानी सैलाब की तरह बह रहा है और नदी के किनारे कई घर पानी में समा गए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के निर्देश पर तालाब की पाल टूटने की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची और करीब 1 किलोमीटर में यह फैला यह तालाब बारिश के पानी से भरा हुआ था। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने के भी प्रबंध किए गए हैं। राजस्थान के पाली जिले के गांव रोहट में ओम बन्ना के धाम पर आज रक्षाबंधन के मौके पर मेले जैसा माहौल बना हुआ है। आज सुबह तड़के से ही महिलाओं को बड़ी तादाद में ओम बन्ना धाम पर पहुंचना शुरू हो गई। महिलाएं वहां ओम बन्ना की मोटरसाइकिल, मूर्ति और पेड़ पर राखियां बांध रही है। इस मौके पर परिवार की रक्षा की कामना भी की जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। शर्मा ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का यह पर्व न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की प्रगाढ़ता को बताता है बल्कि यह पर्व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। राज्यपाल हरिभाऊ भावड़े ने रक्षाबंधन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य का बोध कराता है। राजस्थान की जेलों में आज रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसकी जेलों में सर्वाधिक धूम रहती है। जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर समेत विभिन्न स्थानों की जेलों के समक्ष आज सुबह से ही महिलाओं का तांता लगा हुआ है। जेल प्रशासन ने सभी जगह इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। महिलाओं द्वारा राखी बांधने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।
महिलाएं 10 बजे से पहले ही जेलों के समक्ष पहुंच गई, जिन्हें पूरी जांच प्रक्रिया के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी आज दोपहर के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। उन्हें पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर से स्थानांतरित कर झुंझुनू में एसपी लगाया गया है। इस बीच झुंझुनू के एसपी राजर्षि राजवर्मा जोधपुर के लिए रिलीव हो गए हैं। उन्हें जोधपुर में पुलिस उपायुक्त पश्चिम के पद पर लगाया गया है। राजस्थान के पाली जिले के तख्तगढ़ क्षेत्र में आज सुबह सुनाई दिए तेज धमाके के कारण लोग सहम गए। यह धमाका इतना तेज था कि इससे मकानों के दरवाजे और खिड़कियां भी हिलने लगी। यह धमाका कैसे हुआ, इस बारे में किसी को अभी तक कोई पता नहीं है और लोग धमाके को लेकर एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर भजनलाल सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बंद के दौरान गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए गृह विभाग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और तमाम जिलों के कलेक्टर अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।